तो दोस्तों लैपटॉप ऑफर्स की बौछार हो रही है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल और अमेजॉन ग्रेट इंडियन सेल और इसी सेल के महफिल में आज हमारे पास एसर का एस्पायर लाइट। भाई ये लैपटॉप ओनली 35,000 में आता है और इसका परफॉर्मेंस एकदम ही ज्यादा खतरनाक है। राइजन 5 5500U प्रोसेसर के साथ आता है एंड अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो ये इंटेल i3 12th gen एंड AMD का राइजन 7000 सीरीज को भी बीट कर देता है। और सबसे दिल को छू लेने वाली बात, ये लैपटॉप मेड इन भारत है, सीधा दिल से बनाया। तो खोल ली इसका भी डब्बा, हमारा लैपटॉप आ जाता है पिंकी कलर में और कुछ पुस्तकी बातचीत। 65 वॉट का AC एडाप्टर देखने को मिलता है विद द मोटा पिन, ये मेरे को काफी अच्छा लगा। एक पावर कॉर्ड, ये सब क्या है भाई इतना सारा? ओ भाई, एक CD और एक यूजर मैनुअल और लैपटॉप को साफ करने के लिए एक प्रीमियम माइक्रोफाइबर क्लोथ भी दिया गया है। मतलब एसर वाले एडिशन करते जा रहे हैं धीरे धीरे। और दो एक्स्ट्रा नट भी देखने को मिल जाता है इनकेस अगर आपका नट वगैरह ढीला हो गया। अब देखते हैं हमारा फाइनल माल दोस्तों, ये है एसर एस्पायर लाइट। स्टील ग्रे कलर में आता है और कलर ही स्टील है तो प्योरली मेटल बिल्डिंग के साथ दिया गया है, ये अच्छी बात है। मेड इन भारत है मतलब प्योरली स्टील वाला मटेरियल। टॉप लिड में एसर की ब्रांडिंग एंड ओवरऑल लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम है यार, क्योंकि प्योरली मेटल है भाई साहब, नो कॉम्प्रोमाइज इन बिल्ड क्वालिटी। बैक पैनल में आपको वेंट्स देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद द 2W के 2W फायरिंग स्पीकर और रबर ग्रिप भी दिया गया है ताकि स्क्रैचेस वगैरह आपके लैपटॉप में बिल्कुल ना आए। सो देखो यार, मेटल बिल्ड है तो टॉप लिड फ्लेक्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं है, कीबोर्ड फ्लेक्स भी एकदम मिनिमल है। आप डिजाइन देखेंगे तो काफी ज्यादा मिनिमल है कि यहाँ पर काला पट्टी ऐड किया गया है इन द हिंज पोर्शन। और भाई 15.6 इंच का लैपटॉप है उसके बावजूद ये 1.6 किलोग्राम में आता है, काफी ज्यादा पोर्टेबल है भाई साहब। और दोस्तों एसर वाले तो काफी ज्यादा सरप्राइज दे दिए, सीधा 180 डिग्री का फ्लैट हिंज, ये एसुस से इंस्पायर्ड लग रहा है भाई, बट लैपटॉप 1 इंच से ओपन नहीं होता। ये लैपटॉप में मेरे को थोड़ा बहुत वॉबलिंग देखने को मिल रहा है बट एस एज नॉट अ मेजर इशू। और 35,000 के प्राइस पॉइंट में प्योरली मेटल बिल्ड लैपटॉप मिलना है जस्ट ग्रेट हियर यार। अंदर से कुछ ऐसा दिख जाता है हमारा एसर एस्पायर लाइट, अंदर भी आपको मेटल बिल्डिंग साथ देखने को मिलता है, राइजन 5 का स्टिकर दिया गया है अलोंग विद एसर एस्पायर लाइट का कुछ गुणगान करते स्टिकर्स एंड नेमिक ऑडियो का भी सपोर्ट दिया गया है, दैट मींस यहां पर काफी अच्छा साउंड क्वालिटी रहने वाला है। और आप बेजल्स पे नजर डालोगे तो काफी थिन बेजल्स हैं जो लैपटॉप के लुक को ओवरऑल अच्छा बना ही देता है। एंड यहां पर दो जलती हुई बत्तियां हैं जो कैप्स लॉक और नम लॉक बताएगा। एंड स्क्रीन के जस्ट नीचे एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है, यहां से लैपटॉप गरम हवा बाहर छोड़ेगा। सो थोड़ा आपका डिस्प्ले गरम भी हो जाए ना तो घबराने की कोई बात नहीं, सभी लैपटॉप में ऑलमोस्ट डिस्प्ले के नीचे ही एयर एग्जॉस्टमेंट रहता है। आप देख पाएंगे कीबोर्ड वाले पोर्शन को थोड़ा डीपर में रखा गया है, ट्रैकपैड वाला अपर में है ताकि वर्क के दौरान पाम रेस्ट एरिया में आपका अलाइनमेंट काफी अच्छा रहे। सो दोस्तों देख लेते हैं ये लैपटॉप का तकनीकी विवरण यानी कि स्पेसिफिकेशन। बिल्कुल पावरफुल AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर के साथ आता है, टोटल 6 कोर एंड 12 थ्रेड। और बिलीव मी गाइस, AMD Ryzen 5 5500U काफी पावरफुल है एज कम्पेयरिंग विद इंटेल i3 12th gen प्रोसेसर या इवन आप AMD Ryzen 7000 सीरीज Ryzen 5 7520U से भी कंपेयर करेंगे ना तो Ryzen 5 5500U काफी पावरफुल है, ग्राफ आपके सामने है। और भाई 35,000 के लैपटॉप में सीधा 16 GB DDR4 3200 MHz रैम दिया गया, दैट इज 512 GB का Gen 3 SSD है एंड SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी काफी प्रीमियम है यार। और ये लैपटॉप में डुअल स्टोरेज कैपेबिलिटी है, मतलब आप HDD भी लगा पाएंगे। प्योरली इंडियन ऑडियंस को टारगेट किया यार, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं ना हमको HDD वाला ही लैपटॉप लेना है, देन उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ पर AMD रीड एंड ग्राफिक्स देखने को मिलता है एंड इसका ग्राफिकल परफॉर्मेंस ना आपको इंटेल आयरिस एक्सी से अच्छा ही देखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर Wi-Fi 5 दिया गया एंड ब्लूटूथ वर्जन इज ऑल्सो 5, 5-5 का कॉम्बो। एसर एस्पायर लाइट विंडोज 11 को OS के साथ आता है एंड यहाँ पर कोई भी MS ऑफिस नहीं दिया गया है, बाकी आप जुगाड़ से डाउनलोड कर पाएंगे, बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड भाई साहब ये 35,000 के लैपटॉप में आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, यहाँ से आप वेरियस मोड में कस्टमाइज कर पाएंगे, क्वाइट मोड, परफॉर्मेंस मोड, इंटरटेनमेंट मोड एंड पावर सेविंग मोड। एंड आप फैन का भी स्पीड कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब कमाल की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं यार एसर वाले एट द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 35,000। सो देखो यार, अगर आप दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली विजिट Genex लैपटॉप एंड कंप्यूटर वर्ल्ड, वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑल इन वन PC एंड सभी IT इक्विपमेंट एकदम ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। एंड मजे की बात, वहां पर Lenovo एंड Acer का एक्सक्लूसिव स्टोर है, सो आपको वैरायटी ऑफ रेंजेस देखने को मिल जाएगा एट Genex लैपटॉप एंड कंप्यूटर वर्ल्ड। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर है, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट देम। यहाँ पर आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड कीज में आपको प्रिंटेड अल्फाबेट नजर आएंगे। ओवरऑल कीबोर्ड का क्वालिटी काफी अच्छा है, की ट्रेवल भी काफी अच्छा है एंड ये लैपटॉप में मैंने टाइपिंग वगैरह करके देखा, ओवरऑल की ट्रेवल एंड कीबोर्ड की क्वालिटी काफी डिसेंट है एंड टैक्टाइल फीडबैक
के साथ ब्लैक कलर में इसका कीबोर्ड दिया गया है और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पावर बटन देखने को मिलता है विद एलईडी इंडिकेटर। एंड ट्रैकपैड का साइज भी काफी लार्ज है, प्योरली मेटल टच के साथ ट्रैकपैड दिया गया है। ओवरऑल फील एंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा एंड विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है। दोस्तों अगर 15.6 इंच का फुल एचडी टीएफटी एलसीडी पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है, आईपीएस नहीं है, 250 निट्स का ब्राइटनेस एंड 45% एनटीएससी का कलर गैमट और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 35,000 के हिसाब से इसका डिस्प्ले काफी अमेजिंग है। आप अपना डे टू डे टास्क करेंगे, कोडिंग करेंगे तो सच कोई दिक्कत नहीं आएगा और मेरे को डिस्प्ले का कलर डिसेंट ही लगा इस पर द प्राइस पॉइंट। एंड ये लैपटॉप का स्पीकर क्वालिटी एंड आउटपुट काफी अमेजिंग लगा क्योंकि नेमिक ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है एंड आप मूवीज देखेंगे, म्यूजिक लिसन करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। यहाँ पर 720 पिक्सल का एचडी वेबकैम दिया गया है विद द कैमरा इंडिकेटर एंड ड्यूल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन। तो दोस्तों ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ एसर एस्पायर लाइट के वेबकैम से। अगर आपका बजट 35,000 के अंडर है देन डेफिनेटली आप ये लैपटॉप आंख बंद करके ले लो यार, काफी ज्यादा पावरफुल है एंड आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। सो एक नजर लैपटॉप के पोर्ट्स में मार लेते हैं। केंजिंगटन लॉक, यहाँ से आप अपने लैपटॉप को बिल्कुल जेट प्लस सिक्योरिटी दे पाएंगे यार। एक RJ45 पोर्ट फास्टर इंटरनेट के लिए एंड 2 USB टाइप ए पोर्ट नॉर्मल स्पीड वाला एंड एक माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, एक सिम स्लॉट भी दिया गया लेकिन ये बिल्कुल बंद है यार। एक 3.5 mm का ऑडियो जैक, एक डीसी, यहां से आप अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे, एक HDMI का पोर्ट एंड एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट 5 GB/s डेटा ट्रांसफर रेट है। एंड दोस्तों एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट 5 GB/s का डेटा ट्रांसफर रेट है एंड इससे आप डेटा ट्रांसफर ही कर पाएंगे, न ही इससे डिस्प्ले कनेक्ट कर पाएंगे, न ही पावर डिलीवरी सपोर्ट। So, देख लेते हैं ये लैपटॉप का शक्ति प्रदर्शन। Cinebench R23 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1165 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 6149 और आप कंपैरिजन ग्राफ देख पाएंगे कौन सा प्रोसेसर है कितना बलवान। Geekbench 5 में 1467 का सिंगल कोर स्कोर एंड 4580 का मल्टी कोर स्कोर देखने को मिला एंड ओपन सेल स्कोर निकल के आया 1160। 3D Mark 10 में 836 का स्कोर देखने को मिला, दैट इज ग्रेड एज पर नॉन डेडिकेटेड ग्राफिक्स लैपटॉप। एंड PC Mark 10 का भी स्कोर क्लोज टू 5000 है, दैट इज 4676, तो आप आराम से अपना टास्किंग कर पाएंगे। सो दोस्तों कर लेते हैं लैपटॉप में गेमिंग टेस्ट। तो यहां पर मैंने GTA 5 प्ले करके देखा है, नॉर्मल सेटिंग एंड फुल एचडी रिजोल्यूशन, आराम से 30 FPS के आसपास फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था। इन दैट वे आराम से लैपटॉप में आप कैजुअल गेमिंग भी कर पाएंगे यार। एंड वैलोरेंट जैसे गेम तो आप और अच्छे FPS में प्ले कर पाएंगे क्योंकि वो CPU इंटेंसिव गेम है। एंड दोस्तों ये लैपटॉप में मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा है इन Adobe Premiere Pro, आराम से आप फुल एचडी लेवल का 4 से 5 लेयर वाला वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे क्योंकि प्रोसेसर काफी पावरफुल है। Ryzen 5 5500U प्रोसेसर में आप आराम से फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग एंड इवन आप कोडिंग वगैरह करना चाहते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वो भी ये प्रोसेसर आराम से हैंडल कर लेगा। दोस्तों Acer Aspire Lite में 36 वॉट आवर का बैटरी दिया गया है एंड इजीली आपको 5 टू 6 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा इन दिस लैपटॉप। एंड U सीरीज का प्रोसेसर है तो काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट रहता है और ये लैपटॉप को आप टाइप सी से चार्ज नहीं कर पाएंगे, नोट दैट। बट Acer ब्रांड में ही एक और लैपटॉप है Acer 114 जो अभी 32,000 में आ रहा है, वो लैपटॉप को आप टाइप सी से चार्ज कर पाएंगे। सो इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस Acer Aspire Lite। 35,000 के बजट में आता है, प्योरली मेटल बिल्ड ये लैपटॉप है, मेड इन इंडिया है, 16 GB का रैम है, 512 GB का SSD है और प्रोसेसर भी काफी पावरफुल है। तो ये लैपटॉप में मेरे को कोई भी कॉन्स देखने को नहीं मिला एज पर द प्राइस पॉइंट एंड डेफिनेटली आप जाइए यार अगर आपका बजट है 35,000 के आसपास और बैंक ऑफर लगा के आप आराम से लैपटॉप को 32,000 के आसपास ले पाएंगे। सो आई होप गाइस आपको ये लैपटॉप का डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अपने भाई को सपोर्ट करो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।